कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं, विराट कोहली। इंडिया वालों के अब लिए चल रही है सुबह उठो नहाओ जीतो सो जाओ। तो सो ब्यूटीफुल सो अमेजिंग जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। जब इंडिया जब बैटिंग करके जाता है ना तो जो बड़ी बड़ी टीमें होती है वैसे ही घबरा जाती है। अच्छा लोगों ने कहा विराट कोहली खत्म, तो विराट कोहली ने कहा मैं नहीं आप खत्म। बाकी टीमें तो ऐसे लग रहा है जैसे वो घूमने फिरने गए, कोई शेरवानी खरीद रहा है तो कोई क्या कर रहा है। पाकिस्तान इंडिया को हराने वाली कोई टीम है ही नहीं, यही साउथ अफ्रीका थी जो मतलब थोड़ा सा उनको टफ टाइम दे सकती थी, हरा ये भी नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी होगी कि रोहित शर्मा ने जिस तरह से कैप्टनसी की है। जब उनके बॉलर चलते हैं तो फिर जाहिर है अगले बल्लेबाजों की तो छुट्टी हो जाती है। यहाँ पर बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन, भाई बाबर आजम उनके आधे बराबर का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई बंदा जो है ना वो लॉयल है अपनी टीम के साथ, अपने मुल्क के साथ। आज एंड की परफॉर्मेंस, एंड की तो ये तो कंफर्म बात थी कि इंडिया ने जीतना ही जीतना है। मतलब वन साइडेड मैच की क्या हो रहा है, क्या मतलब आपने देखा होगा, बुमराह देखा होगा, शामी देखा होगा कैसे उड़ाता किलियां। भाई मैं तो कहता हूँ कि या अल्लाह कोई हमें भी इस तरह के कोई क्रिकेटर्स दे दे जो 11 के 11 ऐसे हों कि जो कि अनबीटेबल हो। रिकॉर्ड जिस तरह परफॉर्मेंस, यार कोई अल्फाज मुझे दे दे जिस पे मैं वो डिस्क्राइब कर पाऊँ कि मैं कितना खुश हूँ उसकी बैटिंग। क्या कमाल, लाजवाब, आई लव यू इंडिया, आप इसी तरह परफॉर्म करते रहे। हाँ विराट कोहली की बर्थडे थी आज, तो मेरा ख्याल है इससे अच्छा गिफ्ट अपने मुल्क के लिए हो नहीं सकता है। बिल्कुल है। यार बर्थडे बॉय किंग, किंग किंग इज किंग, तो बर्थडे बॉय वर्ल्ड कप यूनिक है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वर्ल्ड कप होने का। भाई मुझे बताओ एक भी मैच आ रहा ना वर्ल्ड कप? वालेकुम अस्सलाम, की हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। फिर जीत गए ने? बिल्कुल, आज इंडिया फिर से जीत गया और इस तरह से जीता है कि मतलब साउथ अफ्रीका को रगड़ के रख दिया उन्होंने। पहले उन्होंने श्रीलंका को इतने बदतरीन तरीके से शिकस्त दी, हमने कहा छोटी टीम है उसको 50 पे आउट कर दिया, लेकिन आज साउथ अफ्रीका वो टीम जो दूसरी टीमों को 400 रन लगा रही है उसको इतने मतलब बड़े गंदे तरीके से उनको शिकस्त दिया। यार इंडिया वालों थोड़ा सा तो ख्याल कर लो, आपके वो मेहमान हैं, थोड़ी सी तो मेहमान नवाजी दिखा देते उनको, बिल्कुल ही कोई रियायत नहीं की उन्होंने। खासतौर पर उनकी बॉलिंग की बात करें तो क्या ही कमाल की बॉलिंग उनकी जारी है, पूरे टूर्नामेंट में नंबर वन बॉलिंग जारी है अभी तक उनकी। बुमराह की बात करें, सिराज की, शामी की, जो भी आता है जिसे जब भी मौका मिलता है तो वो आकर उसी वक्त विकते हैं, दूसरे बैट्समैनों को उड़ा के रख देता है। साउथ अफ्रीका के पास बड़े बड़े बैट्समैन थे लेकिन उनको किसी को उन्होंने चलने नहीं दिया, सबको आउट क्लास करके रख दिया, सबकी विकटें उन्होंने उड़ा के रख दी। तो इंडिया कमाल, लाजवाब, आई लव यू इंडिया, आप इसी तरह परफॉर्म करते रहे, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। आप पाकिस्तान की टीम तो हमने सपोर्ट करना ही छोड़ दिया जब से उन्होंने हमारे दिल तोड़े हैं, तो आप जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं इसी तरह से परफॉर्म करते रहे, हम आपको इंशाल्लाह इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। यार हम ना कैसी बात कर रही है यार, भाई वर्ल्ड कप ही उन्हीं का है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वर्ल्ड कप उन्हीं का। भाई मुझे बताओ एक भी मैच आ रहा है ना वर्ल्ड कप के अंदर, एक भी मैच आ रहा है ना, तो फिर आप कैसे अज्यूम कर सकते हो कि वर्ल्ड आज भी जीत गया? भाई जीत के लेके जाएगा वर्ल्ड कप, कल आपने कहना कि यार वर्ल्ड कप ले गया, क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि भाई जो मेहनत करता वही जीतता है। ऐसा तो कभी ना देखा ना सुना ना हुआ। वो मैं एक मिसाल दूं, पहले एक फेसबुक पे मीम चल रही थी कि सुबह उठो हमारे लिए चल रही थी, नहाओ हारो सो जाओ। इंडिया वालों के अब लिए चल रही है सुबह उठो नहाओ जीतो सो जाओ, तो वो रिकॉर्ड बनाओ सो जाओ, रिकॉर्ड बनाओ सो जाओ, जीत जाओ। अब बैटर नहीं, बॉलर भी जो है ना वो 5-5 विकेटें उड़ा रहे हैं, 80-80 टीम स्कोर पे सारी टीम आउट कर रहे हैं, उनकी अब वो मीम बिल्कुल अब फिट उन पे हो रही है, उठो जीतो सो जाओ। तो अनबिलीवेबल, अनबीटन टीम है और जबरदस्त क्या परफॉर्म कर रही है। So beautiful, so amazing, just looking like a wow. क्या कहना चाहेगी, मतलब इंडिया अनबीटेबल जाहिर जा रहा है, 8 मैच खेले, 8 के 8 जीत गए, ये लोग क्या कर रहे हैं? यार विराट कोहली की बर्थडे थी आज, तो मेरा ख्याल है इससे अच्छा गिफ्ट अपने मुल्क के लिए हो नहीं सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। और आज ही उसने सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, तो दिस इज लिटरली वाओ। बिल्कुल ऐसे ही है सर, लेकिन आज बर्थडे बॉय ने परफॉर्म किया, सेंचुरी दिखाई, विराट मतलब क्या हो गया है, ये मतलब बिल्कुल आउट ऑफ वर्ल्ड चीजें चल रही है। भाई मैं क्या बताऊं तुम्हें, सेंचुरी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने अपने लेजेंड का, अब ये लेजेंड बन गए हैं, लेकिन वो तो रहेंगे ही। लेकिन मैं जब मैंने देखी उनकी सेंचुरी तो भाई मैं हैरान रह गया कि भाई इस तरह की परफॉर्मेंस होनी चाहिए। और जो हम कहते हैं कि यहाँ पर बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन, भाई बाबर आजम उनके आधे बराबर का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई बंदा जो है ना वो लॉयल है अपनी टीम के साथ, अपने मुल्क के साथ। आज एंड की परफॉर्मेंस लव ही हो गया। भाई बर्थडे बॉय ने आज जो सेंचुरी बनाकर गिफ्ट दिया है हमें, उस पर क्या कहेंगे? यार बर्थडे बॉय किंग, किंग किंग इज किंग, तो बर्थडे बॉय एक मैं ना, अच्छा थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड पे जाना चाहूंगा।
विराट कोहली पे 2021-2022 में बड़ा बुरा टाइम आया था, लोगों ने कहा विराट कोहली खत्म, तो विराट कोहली ने कहा मैं नहीं आप खत्म। तो लेजेंड कभी खत्म नहीं होते, वो सो जरूर जाते हैं, बैक हो जाते हो, कहते हैं ना अगर दो स्टेप आप पीछे हो रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हारे हो सकता है आप पीछे हो के अटैक करने लगे हो। तो किंग ने जिस तरह उसकी ये बर्थडे थी, जिस तरह 49 सेंचुरियों का रिकॉर्ड, जिस तरह परफॉर्मेंस, यार कोई अल्फाज मुझे दे दे जिस पे मैं वो डिस्क्राइब कर पाऊँ कि मैं कितना खुश हूँ उसकी बैटिंग। साउथ अफ्रीका एक वो टीम थी जो हमें लग रहा था कि शायद इंडिया को हरा दे, उसने भी नहीं हराया, मतलब वन साइडेड मैच, ये क्या हो रहा है क्या, मतलब बस इन्हीं से उम्मीद थी हमें, अब ये भी नहीं हरा सके तो मेरा ख्याल है कि अब कोई भी नहीं कर सकेगा, पहले भी कोई नहीं, किसी ने नहीं किया है। बाकी टीमें तो ऐसे लग रहा है जैसे वो घूमने फिरने गए, कोई शेरवानी खरीद रहा है तो कोई क्या कर रहा है और बाकी वो वापस आके इधर बस गली मोहल्लों में ही खेले, यही हो सकता है गली मोहल्ले में खेले। हाँ तो मतलब वर्ल्ड कप के स्टैंडर्ड की टीम किसी ने भी नहीं भेजी, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो इंडिया को हरा सके, नजर तो नहीं आया, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे एक बात बताओ यार, जब इंडिया जब बैटिंग करके जाता है ना तो जो बड़ी बड़ी टीमें होती है वैसे ही घबरा जाती है, उनकी बॉलिंग लाइन देखी आपने इंडिया की? Exactly. मोहम्मद सिराज देखा आपने? Yes. आपने देखा होगा बुमराह देखा होगा, शामी देखा होगा, कैसे उड़ाता किलियां। Yes. भाई मैं तो कहता हूँ कि या अल्लाह कोई हमें भी इस तरह के कोई क्रिकेटर्स दे दे जो 11 के 11 ऐसे हों कि जो कि अनबीटेबल हों। ऐसा ही है, हम दुआओं पे चल रहे होते हैं, इन्हों हराए तो आया हो, पानी आए तो बारिश आए, बारिश आएगी तो हम में जीतेंगे, दो पॉइंट बढ़ जाएंगे, हम इसी पे ही मर जाना हमने, और हम यहाँ पर मुकाबला करते हैं कि भाई हमारी टीम इंडिया को हरा देगी। भाई हराने के लिए आपको मुकाबला करना पड़ता है, हराने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है, हराने के लिए आपको बॉलिंग लाइन बैटिंग लाइन दोनों पे फोकस करना पड़ता है, और फील्डिंग हमारे बॉलर तो हमारे जो फील्डर्स होते हैं वो गेंद के पीछे भागते नहीं है, वो कहते हैं कोई गाली नहीं ले आवांगे। सर श्रीलंका से हमें एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो टफ टाइम देगी इंडिया को, उसके बावजूद उन्होंने टफ टाइम नहीं दिया बल्कि वन साइडेड हो गया सारा सीन, तो हराने वाली टीम कौन सी आई है वर्ल्ड कप में इंडिया को? अच्छा साउथ अफ्रीका के बारे में ये कहा जा रहा था कि साउथ अफ्रीका और इंडिया की जंग है नंबर वन नंबर टू के लिए, तो साउथ अफ्रीका जिस तरह आज खेली ऐसे लग रहा था जैसे वो एशिया कप का फाइनल में श्रीलंका के साथ हुआ था ना, उस तरह हुआ है कि वो डी क्रॉक, वो मार्करम, वो बबूमा, वो वंडर डिसूजन, क्या मतलब। और यार मुझे हकीकत है बैटिंग ज़्यादा उनकी बॉलिंग से डर लगने लग गया है, मतलब जिस तरह शमी और सिराज और बुमराह, कुलदीप जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, भाई बॉलिंग से डर लग रहा है, बॉलिंग से डर लग रहा है। इंडिया को हराने वाली कोई टीम है ही नहीं, हो यही साउथ अफ्रीका थी जो मतलब थोड़ा सा उनको टफ टाइम दे सकती थी, हरा ये भी नहीं सकती थी, लेकिन यहाँ पे तारीफ करनी होगी कि रोहित शर्मा ने जिस तरह से कैप्टनसी की है, टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया, अगर यहीं पर अगर साउथ अफ्रीका को खिला देते तो उन्होंने 400-450 लगा देना था, फिर उनके लिए मुश्किल हो जानी थी। जिस तरह से आपने देखा न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग की दावत दी और कहा कि आप बैल मुझे मार, तो अच्छा तो क्या कहेगी आज सबसे अच्छी परफॉर्मेंस, मैच विनिंग परफॉर्मेंस किसकी थी? एक तो उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जब उनके बॉलर चलते हैं तो फिर जाहिर है अगले बल्लेबाजों की तो छुट्टी हो जाती है, ठीक है। और सेकंडली विराट कोहली, जब उसकी सेंचुरी हो गई तो ये तो कंफर्म बात थी कि इंडिया ने जीतना ही जीतना है, और फिर वही बात कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं, विराट कोहली